With the famous Sun Temple at the backdrop, the canoises of dance in Odissi and Kuchipudi style mesmerized the crowd at the Konark festival. The dance items included Pranamam Yaham in praise of Lord Ganesh, composed by Mysore Vasudevacharya, which was followed by Sri Raja Rajeshwari Astakam, Devadevam Bhaje, and Swagatam Krishna. The dance repertoire was marked by quick beat rhythm and mellifluous lyrical composition. The complexities of divine and human love got expressed in the presentation that narrated the intense and passionate love of Lord Krishna and Radha. The dancers brought out the union, separation and reunion of Radha and Krishna in the production. कोणार्क नृत्योत्सव सारा देश में सबसे बड़ा नृत्योत्सव है क्लासिकल डांस में, आप भी सुने होंगे। अब एक एक साल में एक्सपीरियंस आता है और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इस साल भी हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी। सेक्रेटरी कम कमिश्नर टूरिज्म एंड कल्चर डॉक्टर अरविंदा कुपाड़ी सेड दैट द कोणार्क फेस्टिवल इज अ ब्रांड फॉर टूरिज्म एज इट ड्रॉज लार्ज क्राउड्स एंड ऑल्सो आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। Konark Festival has become a brand for Odisha tourism. It not only draws crowd or visitors and tourists for this cultural activities, but also it also draws huge number of footfalls for the International Sand Art Festival. They also come here to visit the UNESCO heritage site here at Konark. We are very enthused with the response from the tourists and visitors this time, and we are getting very good response from everyone. तो कोणार्क फेस्टिवल सुनते ही मन में एक उत्साह आता है, जो हाँ एक इतना बड़ा फेस्टिवल है तो हम इसमें डांस करेंगे, बहुत इंटरेस्ट होता है इस स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए। The fourth edition of the International Sand Art Festival saw some beautiful creations on different themes, organized by the State Tourism Department along with the Konark Festival at the Chandrabhaga Beach in Konark. The competition was different this year. आज मॉन्यूमेंट से उसके बाद में हम लोगों ने एनवायरनमेंट के ऊपर भी रखे हुए हैं और उसके बाद डिजेबल्ड वर्ल्ड डिजेबल्ड डे के लिए इस बार फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिजेबल्ड डे के ऊपर भी थीम दिया हुआ है और इस बार सबसे जगन्नाथ जी का जो नवकलवर हो रहा है उसके लिए भी एक थीम है लास्ट डे में हो रहा है, जो पर्यटन विभाग से ये अरेंजमेंट किया गया है कि टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक सैंड आर्ट जो है वो बीच का आर्ट फॉर्म है तो ये बीच के ऊपर बना है। हम चाहते हैं कि देश विदेश में जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो यहाँ पर सैंड आर्ट को एक साथ में देख सकते हैं। अराउंड 34 आर्टिस्ट हैं यहाँ। और मैंने लहरें बहुत देखी हैं, समुद्र बहुत देखे हैं, बीचेस बहुत देखे हैं, पर ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा। इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा मैंने। ये जो सैंड आर्ट बना है, कौन सा आर्ट आपको ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट लगा? मुझे ये ताजमहल वाला बहुत अच्छा लगा था। और क्या क्या लगा अच्छा? सब कुछ ही अच्छा है, यहाँ पे इतनी चहल पहल है, सैंड से बना रखा है, सैंड से बनाना इतना मजाक नहीं है, सैंड से बनाना बहुत टफ है, बहुत ही अच्छा है। पावर्ड बाय NNIS।